वेलकम गाइस। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के मैथ्स का नेक्स्ट टॉपिक विच इज सेट्स। बिल्कुल इजी टॉपिक है, बस ये वीडियो आपने देखनी है। इस वीडियो में हम सेट्स की थ्योरी को कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय सेट? तो मैथ्स में हम सेट्स, सेट किसको बोलेंगे? अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सो आपको क्या याद रखना है, ये वर्ड याद रखना है, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होगा वो अभी आपका क्लियर हो जाएगा इन एग्जाम्पल से, जो मैंने एग्जाम्पल लिखी हुई है। सो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड क्या हो गया कि अगर आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है, उसको सेट हम तभी बोलेंगे जब उसके जो एलिमेंट्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो वेल डिफाइंड होंगे। दैट मीन्स वो कभी भी चेंज नहीं होने वाले इन एनी कंडीशन। अगर उसके एलिमेंट्स किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होने वाले, अगर वो फिक्स्ड हैं, तो फिर वो कलेक्शन को हम सेट बोलेंगे, नहीं तो वो सेट नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको सेट की डेफिनेशन आनी चाहिए कि किसको हम सेट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं, ये देखो, इनमें से मुझे बताओ कौन सा सेट होगा या कौन सा नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल द वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। क्या कह रहा है? इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी वॉवल्स हैं, क्या वो सेट होगा या नहीं होगा? यस, इट इज अ सेट। ये क्यों सेट होगा? अगर मैं इसको, इसके एलिमेंट्स लिखूंगा इस सेट के, तो इस सेट के कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? एक आपका ए आएगा, आई आएगा, ई, ओ एंड यू। मुझे बताओ क्या यही होते हैं वॉवल्स? क्या इनके अलावा वॉवल कोई और होता है? नहीं होता सर। तो जब भी आप किसी को पूछोगे कि वॉवल्स कौन कौन से होंगे, तो आंसर यही आने वाला है, ए, ई, आई, ओ, यू, है ना, क्योंकि वॉवल्स तो यही होते हैं ना। तो ये फिक्स्ड है, ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला। सो इट इज अ सेट, दिस कलेक्शन इज अ सेट। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगनिंग विद लेटर जे। आपने ईयर में जितने भी मंथ्स होते हैं जो जे के साथ स्टार्ट होते हैं, उनका एक सेट बनाना है। तो ये भी फिक्स रहेगा, ठीक है ना। कौन कौन से मंथ आएंगे? जनवरी आएगा, जून आएगा, जुलाई आएगा, तो ये भी फिक्स रहेगा, ये भी चेंज नहीं होने वाला किसी भी कंडीशन में। सो इट इज ऑल्सो अ सेट। नेक्स्ट क्या है? अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। आपको वर्ल्ड के 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की टीम बनानी है, 11 बेस्ट बैट्समैन की टीम बनानी है, तो इट इज नॉट अ सेट। ये सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज यहां पे क्या बोला हुआ है, बेस्ट, ये जो वर्ड यूज किया है ना इसने, बेस्ट, इसकी वजह से ये कलेक्शन ऑफ सेट नहीं हो सकती, क्योंकि बेस्ट तो एक क्वालिटी है ना। तो आपने याद रखना है, जहां पे भी क्वालिटी की बात होगी, वो सेट, वो कलेक्शन सेट नहीं होगी, सीधा वो सेट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आप 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की लिस्ट बनाओ, क्या बनाओ, लिस्ट बनाओ, तो मुझे बताओ क्या 10 के 10 स्टूडेंट्स का आंसर सेम होगा? नहीं होगा सेम, क्योंकि जो जिसको पसंद होगा वही उन्हीं बैट्समैन के वो नाम लिखेगा। इट मींस इट मे वेरी, अगर क्वालिटी होगी तो क्वालिटी में वेरी। तो आपने याद रखना, जहां पे भी क्वालिटी होगी वो कलेक्शन कभी भी सेट नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनकी कलेक्शन, तो नेचुरल नंबर्स तो फिक्स ही होते हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। सो इट इज अ सेट, तो ये आपका सेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द इंडिया। यहाँ पे भी देखो क्वालिटी की बात कर रहा है, ये देखो ये जो मोस्ट वर्ड किया, मोस्ट टैलेंटेड, ये जो मोस्ट टैलेंटेड की बात कर रहा है ना, ये जो टैलेंटेड है, टैलेंट क्या है, क्वालिटी है, तो जहाँ पे भी क्वालिटी आ जाएगी, मैंने आपको पहले ही बताया, वो सेट नहीं हो सकता। सो इट इज नॉट अ सेट। क्यों नहीं होगा? अगैन अगर मैं 10 स्टूडेंट्स को बोलता हूँ अपने मोस्ट 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के नाम लिखो, तो सबका आंसर डिफरेंट आएगा, सब अपने हिसाब से लिखेंगे ना, जो उनको पसंद होगा राइटर वो उन्हीं का नाम लिखेंगे। सो इट मे वेरी, सो इट कैन नॉट बी अ सेट। नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, x² - 5x + 6 = 0। तो इसको पहले आपको सॉल्व करना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, आपको पता है उसकी दो सॉल्यूशन आती हैं, इसकी दो सॉल्यूशन आ जाएंगी जो यूनिक होंगी, ठीक है ना। इस इक्वेशन की दो ही सॉल्यूशन होंगी जो यूनिक होंगी, जो चेंज नहीं होने वाली। सो इट इज ऑल्सो अ सेट। तो समझ गए होंगे कि सेट क्या होगा, याद रखना है, ये बहुत जरूरी है। स्टेटमेंट्स में ही आजकल क्वेश्चन आते हैं, आजकल क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं जेके एसएसबी में, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए पूरा, ठीक है। सो सेट समझ में आ गया आपको, सेट क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट मेथड इज सेट रूस्टर फॉर्म, या इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं, और सेकंड रिप्रेजेंटेशन है सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको रूल मेथड भी बोलते हैं। फर्स्ट आ गया रूस्टर फॉर्म, या इसको टेबलर फॉर्म भी बोलते हैं, और सेकंड आ गया आपका बिल्डर फॉर्म। तो सिंपल है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस है कि जो रूस्टर फॉर्म है उसमें हम सेट कैसे बनाते हैं, उसमें हम हर एक एलिमेंट को एनलिस्ट करते हैं, हर एक एलिमेंट को लिखते हैं, एक्चुअल में लिखते हैं, वो हो जाएगा सेट रूस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को नहीं लिखते, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक वेरिएबल से, फिर उस वेरिएबल को हम डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिखूंगा तो क्लियर हो जाएगा आपको, मैं एक सेट लिख रहा हूं, पहले उसको रूस्टर फॉर्म में लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, तो उसको मैं, अगर मैं हर एक एलिमेंट को, उस सेट का नाम ए है सपोज, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए आपके पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो उसको रूस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? रूस्टर फॉर्म में हम लिखेंगे सेट को, हमेशा हम करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, तो ऐसे करली ब्रैकेट्स में लिखना है हमें उसके एलिमेंट्स, ठीक है। सो 1, 2, 3, 4, 5, तो हम सेट रूस्टर फॉर्म में क्या करते हैं कि सारे एलिमेंट्स को इंडिविजुअली इनलिस्ट करते हैं, हर एक एलिमेंट को लिखते हैं, तो सारे एलिमेंट लिखने होंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हमने उस सेट को लिख दिया इन सेट रूस्टर फॉर्म, या टेबलर फॉर्म भी इसको बोलते हैं। सो रूस्टर फॉर्म में आपको याद रखना है, वी इनलिस्ट ऑल द एलिमेंट्स। अगर इसी सेट को मैं, ये आपकी आगे इसकी रूस्टर फॉर्म, अगर इसी सेट को मैं बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? इसको मैं लिख सकता हूँ, मेरे पास दो मेथड है इसको लिखने के रूस्टर फॉर्म में। पहला मेथड आ गया कि मैं इन सभी एलिमेंट्स को एक ही वेरिएबल से रिप्रेजेंट करूंगा एक्स से। मैंने इन सभी एलिमेंट्स को एक ही वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया एक्स से। अब मेरे को डिफाइन भी करना होगा कि एक्स क्या है, तो मैं यहाँ पे दो डॉट डालूंगा, विच मीन सच दैट एक्स, सच दैट। अब एक्स क्या है यहाँ पे ए में? एक्स तो एक नेचुरल नंबर था ना, नेचुरल नंबर है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स बिलोंग्स टू, ये ई सिंबल जो होता है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कैपिटल एन। कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये तो मैंने डिफाइन कर दिया कि एक्स जो है वो एक नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सो ऑन टू इन्फिनिटी होते हैं, बट यहाँ पे ए सेट में मेरे पास 5 तक ही है, तो मुझे अब लिमिट भी लगानी होगी। तो यहाँ पे मैं लिमिट लगा रहा हूँ, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5,
लेस देन इक्वल टू 5, एक्स जो है 5 के इक्वल और 5 से छोटा है। एक तो यहाँ पे डिफाइन किया एक्स नेचुरल नंबर है, और एक यहाँ पे डिफाइन किया मैंने कि एक्स जो है 5 से छोटा है। तो इसको ये इसी सेट की आपकी आ गई सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या आ गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो समझ गए डिफरेंस दोनों में। रूस्टर फॉर्म में हम हर एक एलिमेंट को लिखेंगे, बट बिल्डर फॉर्म में हम उसको सारे एलिमेंट्स को एक वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे और उस वेरिएबल को डिफाइन कर देंगे। अब इसी सेट को सेट रूस्टर फॉर्म में आप स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो। कैसे? मैं सिंपल स्टेटमेंट में भी रूस्टर फॉर्म में सॉरी बिल्डर फॉर्म में लिख सकता हूँ। बिल्डर फॉर्म में या तो इस तरह से लिखना मैथमेटिकली, या हम स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए। क्या है हमारा? ए है एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये भी आपकी बिल्डर फॉर्म है। ये भी आपकी क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म है इसी सेट की। ठीक है, ये स्टेटमेंट में क्यों लिखा मैंने? क्योंकि आपको पता है सेट में सिर्फ नंबर्स नहीं आएंगे, सेट में कुछ भी हो सकता है। सेट के एलिमेंट्स अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, मंथ्स के नेम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है सेट में। ठीक है ना, जैसे हमने अभी देखा कि सेट ऑफ 12 मंथ्स ऑफ ईयर, तो उसमें तो मंथ्स आएंगे ना, तो उसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पे नंबर्स नहीं होंगे उसको हम बिल्डर फॉर्म में इस तरह से स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 5 भी लिख सकते हो आप, ये जो मैंने लिखा यहाँ पे, या फिर x लेस देन 6 भी लिख सकते हो। ठीक है, इसकी जगह x लेस देन, दोनों का मीनिंग एक ही हुआ ना। यहाँ पे मैंने लेस देन इक्वल टू डाला है, ये देखो साथ में इक्वल टू भी डाला है, मतलब 5 को इंक्लूड करना है। या आप x लेस देन 6 भी लिख सकते हो यहाँ पे, सिर्फ अगर लेस देन हो तो उसमें 6 इंक्लूड नहीं होगा, 6 से छोटे वाले नेचुरल नंबर आएंगे। आई होप इतना आपको पता होगा। ठीक है, सो सेट रूस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म आप समझ चुके हो। ठीक है, सेट रूस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब याद रखना, जो हम सेट रूस्टर फॉर्म रखते हैं ना, ये वाली रूस्टर फॉर्म में जब एलिमेंट्स को लिखते हैं ना, एक दो पॉइंट याद रखना। सेट में कभी भी कोई एलिमेंट हम रिपीट नहीं करते, सेट में कोई भी एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं करते। ठीक है, सो नो रिपीटेशन। एवरी नोट, एवरी एलिमेंट, ये नोट याद रखना आपने, एवरी एलिमेंट इन अ सेट इज लिस्टेड वंस। एक एलिमेंट को कभी भी रिपीट नहीं करेंगे, पहला नोट। और सेकंड नोट आपको याद रखना है कि जो आपका सेट में जो ऑर्डर होता है जिसमें हम एलिमेंट को प्लेस करेंगे, उस पर डिपेंड नहीं करता, वो मैटर नहीं करता। ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करेगा, दैट इज ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज इमेटेरियल मीन्स वो मैटर नहीं करता। दैट मीन्स ये जो सेट है ना आपका, ये वाला, इस सेट को मैं इस तरह से भी लिखूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं लिखता हूँ 2, 1, 4, 5, कौन सा एलिमेंट रह गया? 3। तो एलिमेंट तो वही है ना, 1, 2, 3, 4, 5, सिर्फ ऑर्डर आगे पीछे कर दिया। सो याद रखना आपको सेट में हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मैटर नहीं करता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई लिस्ट बना रहे हो, मुझे बताओ अगर कोई लिस्ट बना रहे हो, आपको बाजार से कुछ सामान लाना है, लिस्ट बना रहे हो, उस लिस्ट में अगर नीचे चीज़ें ऊपर नीचे हो जाए तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, अल्टीमेटली वो सारी चीज़ें आपको बाजार से लानी है। सो वही सेट का कंसेप्ट है। सेट में आपने एलिमेंट्स को एक तो रिपीट नहीं करना है, एक एलिमेंट एक ही बार आएगा। लिस्ट में कोई चीज़ रिपीट क्यों करोगे आप, उसका कोई फन नहीं है। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स भी मैटर नहीं करता, ये दो बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज आपका टाइप्स ऑफ सेट्स। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, बिल्कुल ईजी है। पहला सेट आ गया आपका एम्प्टी सेट, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, एम्प्टी सेट मींस अ सेट विच हैव नो एलिमेंट्स इज नोन एज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कौन सा हो जाएगा? अ सेट विच हैव नो एलिमेंट्स। ठीक है जी, लिख सकते हो डेफिनेशन, अ सेट विच हैव नो एलिमेंट इन इट इज नोन एज एम्प्टी सेट। आपको याद रखना इसको हम डिनोट करते हैं फाई से, इट इज डिनोटेड बाय फाई। एम्प्टी सेट को फाई से डिनोट करेंगे। एक बात, फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल अगर लिखनी है एम्प्टी सेट की, सेट ऑफ, यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ एम्प्टी सेट की। ठीक है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद टू साइड्स। इस सेट्स में बताओ कितने एलिमेंट होंगे? ये जो मैंने सेट लिखा है इसमें कितने एलिमेंट आएंगे? सर इसमें तो कोई एलिमेंट नहीं आएगा, बिकॉज ऐसी कोई ट्रायंगल ही नहीं होती जिसकी दो साइड्स हो। सभी ट्रायंगल्स की कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। सो वी कैन कॉल्ड दिस सेट एज एम्प्टी सेट। इस सेट को हम क्या बोल सकते हैं? एम्प्टी सेट बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2। मुझे बताओ इस सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे? सर इस सेट में भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा, बिकॉज ऑड नंबर तो डिविजिबल होते ही नहीं है 2 से। ठीक है ना, सो ऑड नंबर की डेफिनेशन ही यही है, ऑड नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। सो ऐसा कोई ऑड नंबर होगा ही नहीं जो 2 से डिविजिबल होगा। सो इस सेट में भी कोई एलिमेंट नहीं आने वाला, दिस सेट इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट आपको याद रखना है, विच हैव नो एलिमेंट, इसको 5 से डिनोट करते हैं। एक बात, और दूसरी बात, एम्प्टी सेट को हम वाइड सेट भी बोलते हैं, इसके दूसरे नाम भी याद रख लो, इसको वाइड सेट भी बोलते हैं और इसको नल सेट भी बोलते हैं। वाइड सेट भी बोलते हैं और इसको नल सेट भी बोलते हैं। दिस इज योर एम्प्टी सेट। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट इज फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, फाइनाइट सेट वो सेट हो जाएगा जिसके एलिमेंट फाइनाइट होंगे, दैट मीन्स जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें। आपको इस तरह से याद रखना है, द सेट हुज एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड इज नोन एज फाइनाइट सेट, एंड द सेट हुज एलिमेंट्स आर काउंटलेस, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते या इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, आप बताओ इनमें से फाइनाइट सेट कौन सा होगा और इनफाइनाइट कौन सा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक सेट लिखा है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3,
एंड सो ऑन, ये थ्री डॉट्स का मतलब होता है एंड सो ऑन, एंड सो ऑन मीन्स ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला, वन टू थ्री, ये क्या है, नेचुरल नंबर्स है तो कभी नहीं खत्म होने वाले बिकॉज थ्री डॉट लगे हुए, सो इट इज एन, ये कौन सा सेट हो जाएगा, दिस इज एन इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसके एलिमेंट कभी काउंट ही नहीं कर सकोगे, ठीक है। सेकंड एग्जांपल, वन टू थ्री सो ऑन टू 9900, ये फाइनाइट होगा इनफाइनाइट होगा, बीच में सो आना है बट लिमिट है, ये कहां तक है, इसका 100 तक है, 1 से 100, तो ये तो काउंटेबल है ना, सो इट इज अ फाइनाइट सेट, तो थ्री डॉट देख के इसको इनफाइनाइट नहीं कर देना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, मुझे बताओ ये सेट फाइनाइट होगा इनफाइनाइट होगा, 100 से ग्रेटर जो इंटीजर है वो सारे, तो 100 से ग्रेटर 101, 102, 103 एंड सो ऑन, वो तो कभी खत्म नहीं होने वाला, सो इट इज एन इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट एग्जांपल इज सेट ऑफ ऑल एनिमल्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, ऐसे आपको कंफ्यूज कर सकता है, ऐसी एग्जांपल देखे तो आपका अगर कंसेप्ट क्लियर होगा आप कर लोगे, क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल एनिमल्स इन द वर्ल्ड, अब वर्ल्ड में जितने भी एनिमल्स हैं उनका जो सेट होगा वो फाइनाइट होगा इनफाइनाइट होगा, अब इसको इनफाइनाइट नहीं बोल देना, ये होगा फाइनाइट सेट, मैंने पहले ही बताया जिसके एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट, जिसके एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते हैं काउंटलेस इनफाइनाइट जिसके एलिमेंट्स होंगे वो इनफाइनाइट सेट होगा, ये फाइनाइट है। एनिमल्स पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है, हमें पता है बहुत ज्यादा है, लेकिन काउंटेबल तो है ना, अगर आज हम गिनना शुरू करेंगे तो किसी ना किसी टाइम पे तो खत्म होंगे ना, काउंटिंग खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि लिमिट है ना, जहां पे लिमिट आ जाएगी तो चाहे जितना मर्जी बड़ा सेट हो अगर उनको हम काउंट कर सकते हैं, अगर उनको हम काउंट कर सकते हैं तो वो फाइनाइट सेट होगा, ठीक है। सो फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम इक्वल सेट्स, एक एग्जांपल और देख लो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की, सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो वो सारे सर्कल जो ओरिजिन से पास होते हैं उनका सेट बनाना है आपको। तो ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन तो एक पॉइंट होता है ना, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन, ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट से पास होने वाले सारे सर्कल्स का, तो इस पॉइंट से तो इनफिनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास होंगे, देखो एक ये फिर ये फिर ये, ऐसे बनाते जाओ, तो एक पॉइंट से कितने सर्कल पास होते हैं, इनफिनाइट सर्कल, सो इट इज अ इनफिनाइट सेट, तो ये जो आपका सेट आ जाएगा ये कैसा हो जाएगा, इनफिनाइट सेट। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट इक्वल सेट्स, दो टर्म्स है, एक इक्वल सेट्स और एक इक्विवेलेंट सेट्स, तो दोनों में आपको डिफरेंस आना चाहिए, है बिल्कुल सिंपल, इक्वल सेट्स आगे अगर दो सेट्स टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल सेट्स इफ दे हैव आइडेंटिकल एलिमेंट्स, अगर उनके एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है तो वो इक्वल सेट्स होंगे। फॉर एग्जांपल ए आपके पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और बी आपके पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 1, 3, मुझे बताओ क्या ये इक्वल हैं कि नहीं है, देखो इसके एलिमेंट्स भी 1, 2, 3, इसके एलिमेंट्स भी 1, 2, 3, सिर्फ ऑर्डर डिफरेंट है, और मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो वी कैन से दैट सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, ठीक है। तो टू सेट्स इक्वल कब होंगे, याद रखना आपको, जब उनके एलिमेंट्स आइडेंटिटिकल होंगे बिल्कुल, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं फिर से एग्जांपल लिखता हूँ, सेट ए इज इक्वल टू, इसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 और सेट बी आपका है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, क्या अब इक्वल होंगे, अब ये इक्वल नहीं है, ठीक है, अब ये इक्वल नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू बी बिकॉज यहाँ पे 4 भी है और 4 यहाँ पे नहीं है, तो समझिए इक्वल होगा जब बिल्कुल आइडेंटिटिकल एलिमेंट्स होंगे। और सेकंड टर्म आती है इक्विवेलेंट सेट्स, तो इक्वल और इक्विवेलेंट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट्स, दो सेट्स को इक्विवेलेंट सेट्स तब बोलेंगे जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे, ठीक है, एलिमेंट्स चाहे आइडेंटिकल हो या ना हो, उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे तब उनको इक्विवेलेंट सेट्स बोलेंगे। अगर एक सेट में 5 एलिमेंट हैं और दूसरे में भी 5 एलिमेंट हैं तब उनको इक्विवेलेंट एलिमेंट्स बोलेंगे। अगर वो 5वां एलिमेंट आइडेंटिकल भी हैं तो फिर उनको इक्वल भी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, सेट ए आपके पास है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और सेट बी है आपके पास जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ऐसे डिनोट करेंगे एन ऑफ ए, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए में कितने, 3 है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी में कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन से हैं उनसे कोई लेना देना नहीं, 1, 2, 3, तो उसमें भी 3 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इक्वल है तो वी कैन से दैट सेट ए एंड सेट बी आर इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट्स नहीं बोलेंगे क्योंकि आइडेंटिकल नहीं है, अगर यहां पे भी एबीसी होता, अगर यहां पे भी एबीसी होता या यहां पे 1, 2, 3 होता तो फिर इक्वल भी हो जाते, तो याद रखना आपको इक्विवेलेंट सेट्स, इफ टू सेट्स हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देन दे आर कॉल्ड एज इक्विवेलेंट सेट्स, इफ टू सेट्स हैव आइडेंटिटिकल एलिमेंट्स देन दे आर कॉल्ड एज इक्वल सेट्स। इस यहां से एक नोट लिख लो कि ऑल दी इक्वल सेट्स आर ऑल्सो इक्विवेलेंट सेट्स, जितने भी इक्वल सेट्स होंगे वो इक्विवेलेंट सेट्स सेट तो हो गए होंगे ना, देखो ये दो इक्वल सेट्स है, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट सेट भी हैं, यस, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 ही है, तो ये इक्विवेलेंट भी है, सो जितने भी इक्वल सेट्स होंगे वो इक्विवेलेंट सेट्स होंगे, बट जितने भी इक्विवेलेंट सेट्स होंगे जरूरी नहीं है कि वो इक्वल सेट्स होंगे, ठीक है, जितने भी इक्विवेलेंट सेट्स होंगे जरूरी नहीं है वो इक्वल सेट्स होंगे। फॉर एग्जांपल ये दोनों इक्विवेलेंट सेट तो हैं बट इक्वल नहीं है। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट इज सिंगलटन सेट, ठीक है, सिंगलटन सेट नाम से ही पता चल रहा है क्या इसका मीनिंग होगा, अ सेट विच हैव वन एलिमेंट, अ सेट विच हैव ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज सिंगलटन सेट। इसकी एग्जांपल लिखेंगे, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, आपको प्राइम नंबर्स पता होंगे, प्राइम नंबर्स जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं और वन से डिवाइड होते हैं, उनका कोई भी और फैक्टर नहीं होता, उनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे 2, 3, 5,
7, 11, ठीक है 13, फिर उसके बाद कौन सा होता है 17 एंड सो ऑन। आपको पता होना चाहिए कि इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है 2, बाकी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो ऑड नंबर होते हैं। सो मैंने लिखा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर तो एक ही होगा, तो इस सेट में एक ही एलिमेंट आएगा, इस सेट में एक ही एलिमेंट आएगा, इसको रूस्टर फॉर्म में, अगर इसी सेट को मैं रूस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो इस तरह से आएगा, ये तो बिल्डर फॉर्म में लिखा था ना स्टेटमेंट, रूस्टर फॉर्म में ये सेट ये आ जाएगा, तो एक ही एलिमेंट है, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल टर्न सेट। नेक्स्ट आपका टॉपिक होता है सबसेट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। सबसेट क्या होता है, अ सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो इन सेट बी। देखो सब का मतलब क्या होता है, सब का मतलब होता है पार्ट, सो पार्ट ऑफ ए सेट, सेट का ही एक पार्ट जो होगा उसी को उसका सबसेट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है आपके पास 1, 2, 3। अब इसी में से मैं एक सेट निकाल रहा हूँ बी, इसी सेट के एलिमेंट्स में, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बी जो है वो ए का ही सबसेट है, बी जो है वो ए का ही एक पार्ट है ना, ए में से लिया हुआ है, सो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। सो कोई भी सेट दूसरे सेट का सबसेट कब होगा, सेट बी, यहाँ पे सेट बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी आर ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ ए। जो बी के एलिमेंट है वो ए में भी अगर अवेलेबल हैं तो हम बोलेंगे बी इज अ सबसेट ऑफ सी। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, बी इज द सबसेट ऑफ ए, बिकॉज क्यों, बी क्यों है ए का सबसेट, बी ए का सबसेट क्यों है, बिकॉज बी के सारे एलिमेंट ए में भी हैं। देखो बी का एलिमेंट है 2, ये ए में भी है, बी का एलिमेंट है 3, ये ए में भी है, तो अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में अवेलेबल हैं तो उस सेट को उस प्रीवियस वाले सेट का सबसेट बोलेंगे। अब क्या ए बी का सबसेट होगा, मुझे बताओ क्या ए जो है वो बी का सबसेट होगा, नहीं होगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, देखो ए में 1 है बट बी में 1 नहीं है, तो यहीं से कैंसिल हो गया, सो वी कैन राइट एज ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, ए जो होगा वो बी का सबसेट नहीं होगा, सबसेट समझ गए। अ सेट इज सेट टू बी सबसेट ऑफ अनदर सेट इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट आर प्रेजेंट इन द अनदर सेट, ठीक है, अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में हैं तो वो वाला सेट उस प्रीवियस सेट का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, समझ में आ गई बात। अब सबसेट में इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि सबसेट हमने बनाने कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई सेट है उसके कितने सबसेट बन सकते हैं, कितने सबसेट पॉसिबल होंगे, इसमें आपको कुछ बातें याद रखनी है, इसको डिनोट कैसे करते हैं वो भी याद रखना। अगर ए बी का सबसेट है तो हम लिखेंगे इस तरह से, ए इज सबसेट ऑफ सी, डालना नीचे डैश डालनी है, सी डालना है नीचे, क्या डालनी है डैश डालनी है, सबसेट ऑफ बी, और रीड कैसे करेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ऐसे इसको डिनोट करेंगे हम, ये याद रखना आपको। इसमें आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने कि एम्प्टी सेट जो होता है फाई, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, मैं फाई ही लिखूंगा, आप जहां पे भी एम्प्टी सेट आएगा मैं फाई ही लिखूंगा, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ, इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होगा क्योंकि डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं ए सेट लिख रहा हूं जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, और एम्प्टी सेट लिख रहा हूं 5, एम्प्टी सेट क्या हो गया, सिर्फ ब्रैकेट्स ही आएंगे, अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा, क्या मुझे बताओ क्या ये 5 ए का सबसेट होगा, यस होगा, क्यों होगा, मैं पहले लिख लेता हूं 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, क्यों होगा, क्योंकि 5 के सारे एलिमेंट ए में हैं, 5 में कौन कौन सा एलिमेंट है, 5 में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, 5 में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, 5 तो एम्प्टी है, तो इसलिए जो एम्प्टी सेट होगा वो हर किसी का सबसेट होगा, ये आपको पॉइंट याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, जो भी सेट, कोई भी सेट होगा वो खुद का सबसेट हमेशा होगा, ठीक है, कोई भी सेट होगा वो खुद का सबसेट हमेशा होगा, कैसे होगा अभी देखते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, मैं इसी सेट को वापस लिख रहा हूँ, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, मुझे बताओ क्या ये ए इस ए का सबसेट होगा, उसके लिए हमें डेफिनेशन पे जाना होगा, क्या इस ए के सारे एलिमेंट इस ए में हैं, आप बोलोगे यस सर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो इस ए के सारे एलिमेंट इसमें हैं और इस ए के सारे एलिमेंट इसमें, सो वी कैन राइट एज ए इज अ सबसेट ऑफ ए, ए इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये बात आपको याद रखनी है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एक तो याद रखना है कि एम्प्टी सेट जो है वो हर किसी का सबसेट होता है, और एक बात आपको याद रखनी है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अगर आपके पास किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको पता है, इफ कोई सेट है ए उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए आपको पता है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए जो है वो एम है सपोज, देन नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू हो जाएगा 2^m। अब आप बोलोगे सर इसका क्या मीनिंग हो गया, इसका मीनिंग हो गया फॉर एग्जाम्पल आपको एक सेट दिया ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, अब आपको बताना है इस ए के कितने सबसेट पॉसिबल हैं, कितने नंबर ऑफ सबसेट पॉसिबल हैं, तो वो कैसे फाइंड करोगे, आपको सिर्फ देखना है ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, इसके एलिमेंट्स 3 है ना, सो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3 हो जाएगा आपका, यही होगा, तो नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएगा, मैंने बताया अभी 2^m, एम हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 3, सो 2^3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, सो इस सेट के कितने सबसेट होंगे, इस सेट के सबसेट होंगे 8। सो अगर आपको डायरेक्ट निकालना होगा कि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन होंगे और नंबर ऑफ सबसेट निकालने होंगे, कितने सबसेट पॉसिबल हैं, तो आपने 2^m का फॉर्मूला लगाना है, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट इस पे एमसीक्यू आएगा, ठीक है, इस पे डायरेक्ट एमसीक्यू आएगा, इसको हम अभी करके भी देखेंगे, देखो ना इसको अभी हम करके भी देखेंगे कि इस सेट के 8 सबसेट कौन कौन से बनेंगे, वो भी देखेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट आपने याद रखना है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, एवरी सेट। अच्छा एक बात और इसमें, इसमें याद रखना आपको नंबर ऑफ सबसेट होगा 2^m एंड नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, अगर प्रॉपर सबसेट आपको निकालने के लिए बोला उसने प्रॉपर सबसेट्स, तो वो हो जाएगा आपका 2^m-1, 2^m-1। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होता है, देखो किसी भी सेट के काफी सारे सबसेट होंगे, ठीक है, ठीक है, उसमें से जो खुद वाला वो जो है ना, जैसे यहाँ पे हमने लिखा एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अगर ये इटसेल्फ वाला सबसेट को छोड़ दो, बाकी जो सबसेट होते हैं ना उनको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। तो जितने भी सबसेट होंगे उसमें से एक को माइनस करना होगा ना, जो खुद वाला होगा उसको माइनस कर दो, तो तब जो सबसेट बचेंगे उनको प्रॉपर सबसेट्स बोलते हैं, ठीक है, इटसेल्फ वाला अगर छोड़ दें तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स 2^m-1 हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। और एक पॉइंट आपको याद रखना है, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखना। यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं हम जो सबसे बड़ा सेट होगा उसको यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जांपल अगर आप नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे होगे, अगर आप नेचुरल नंबर्स के साथ डील कर रहे हो, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होगा जिसमें सारे नेचुरल नंबर आएंगे वो आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। फिर ठीक है, वो आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, यू से इसको डिनोट करते हैं, जिसमें सारे क्या आएंगे, सारे नेचुरल नंबर। फिर इससे हम और सेट्स लेंगे, फॉर एग्जाम्पल सेट ए लिया जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, ठीक है, देखो ए इसका सबसेट होगा क्योंकि इसमें तो सारे नेचुरल नंबर है ना, आप नेचुरल नंबर का कोई भी सेट लिखोगे वो इस यू के क्या होंगे, सबसेट होंगे। सो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट का वो सबसेट होगा। अब हम देखेंगे किसी सेट के सबसेट कैसे लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं आपके पास 1, 2, 3, ठीक है, तीन एलिमेंट्स का सेट लेते हैं। अब इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, मैंने पहले ही बताया, फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हो, तीन इसके एलिमेंट्स हैं तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे 2^3, दैट इज 8, इसके नंबर ऑफ सबसेट 8 आने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसके सबसेट्स लिखूं, सबसेट्स ऑफ ए कौन कौन से हो जाएंगे, पहले तो मैंने आपको बताया जब भी किसी सेट के सबसेट लिखोगे सबसे पहले आपने लिखना एम्प्टी सेट, बिकॉज एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नेक्स्ट देखो, मैं लिखूंगा सिंगल एलिमेंट वाले सेट, एक सेट लिखा जिसमें सिर्फ 1 है, देखो ये सेट इसका सबसेट है, यस, क्योंकि इसमें एलिमेंट है 1 और 1 ए में अवेलेबल है, मतलब ए में से ही ए के एलिमेंट को यूज करके आपको सेट्स बनाने हैं, वही ए के जो क्या होंगे, सबसेट होंगे, ठीक है। फिर एक सेट आ जाएगा जिसमें 2 आएगा, फिर एक सेट आ जाएगा जिसमें 3 आ जाएगा, फिर एक सेट आएगा, आप दो वाले एलिमेंट ले लो, 1 और 2 आएगा, फिर एक सेट आ जाएगा आपका जिसमें 2 और 3 आएगा, फिर एक सेट आ जाएगा आपका जिसमें 1 और 3 आ जाएगा। ये कितने हो गए, ये हो गए 7, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आगे ए के प्रॉपर सबसेट। मैंने बताया था ना प्रॉपर सबसेट में इटसेल्फ वाला नहीं लेते, लेकिन अभी हम टोटल सबसेट्स निकाल रहे हैं, सबसेट्स ऑफ ए, तो उसमें इटसेल्फ वाला भी आएगा, ये खुद भी खुद का सबसेट होगा, तो 1, 2, 3, सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आगे, इसके 8 आगे। तो ऐसे आपको सबसेट लिखने भी आने चाहिए या डायरेक्ट सबसेट निकालना भी आना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको एक सेट दिया है ए जिसके आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिए, क्या दे दिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिए 6, बताओ इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, तो आपने सीधा क्या करना है 2^6 कर देना है, 2^6 इज योर आंसर नंबर ऑफ सबसेट्स। और अगर पूछा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, तो इटसेल्फ वाला माइनस करना है, 2^6-1 कर देना, तो ये नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट आ जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स या जाएगा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, कुछ भी पूछ ले, फॉर्मूला लगाना है और बता देना, और नंबर ऑफ सबसेट्स लिखने भी आपको आने चाहिए, ठीक है। अब 6 वाले के केस में 2^6 ये कितने बन जाएंगे, ये बन जाएंगे आपके 32, है ना, 32 सबसेट, तो 32 तो नहीं पूछेगा वो आपको लिखने के लिए, वो आपको नंबर ही पूछेगा। सो नेक्स्ट इज योर पावर सेट। अब पावर सेट क्या होता है, एक सेट, एक ऐसा सेट जिसमें सारे सबसेट लिखते हैं हम किसी सेट के, उसको पावर सेट बोलते हैं। जैसे कि अभी हमने एक सेट लिखा था ए जिसके एलिमेंट्स थे 1, 2, 3, फिर हमने इसके सारे सबसेट्स भी लिखे थे ना, क्या सबसेट्स, ये आगे ए के सबसेट्स, ठीक है, 8 सबसेट आगे ए के। अब ये जो सबसेट आए हैं ए के, ये 8 के 8, इनका अगर हम एक सेट बनाएं, इनका एक सेट बनाएं, तो उस सेट को हम बोलते हैं पावर सेट। सो पावर सेट इज नथिंग बट द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट, किसी सेट के सारे सबसेट्स का एक सेट बनाओ वो उसका पावर सेट हो जाएगा। सो इस सेट ए का पावर सेट को कैसे डिनोट करेंगे, पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये एक सेट होगा जिसके एलिमेंट्स इस सेट के सबसेट होंगे, दैट मीन्स ये वाले सारे इसके एलिमेंट होंगे, 5 इसका एलिमेंट होगा, ये वाला सेट इसका एलिमेंट होगा, ठीक है, ये वाला सेट इसका एलिमेंट होगा, ये वाला सेट इसका एलिमेंट होगा, सिमिलरली ये वाला सेट इसका एलिमेंट होगा, ये वाला सेट इसका एलिमेंट होगा, ठीक है, ये वाला सेट इसका, सारे सबसेट जो होंगे वो इसके एलिमेंट्स होंगे, 1, 2, 3, ये आ गया आपका पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट। अब आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी है, एक बात याद रखना, अगर किसी सेट में फॉर एग्जांपल यही पावर सेट ले लो, इस सेट में फॉर एग्जांपल ये जो है ना, ये देखो ये इसका एलिमेंट है, ये इस सेट का एलिमेंट है। अगर मैं आपको बोलूं क्या इस सेट में 1 अवेलेबल है, क्या 1 एलिमेंट इस सेट में है, इस पावर सेट में, तो आप यहाँ पे देखोगे 1, बोलोगे यस, तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा, 1 जो है इसमें नहीं है, इस सेट में नहीं है। तो मैं लिखूंगा 1 does not belongs to, अगर E डालोगे E का मतलब होता है belongs to, और E के ऊपर ऐसे डैश कर दोगे तो does not belongs to बोलते हैं, does not belongs to P of A, 1 जो है वो पावर सेट में नहीं है। अब बोलोगे सर यहाँ है तो सही, यहाँ नहीं है यार, ये पूरा जो है ना पूरा इसका एलिमेंट है, ये पूरा सेट एज ए सिंगल एलिमेंट है, इसको आपने सिंगल ट्रीट करना है, इसको आपको, इस पूरे को आपको सिंगल ट्रीट करना है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मीनिंग ये हुआ, अगर आपके पास एक सेट है A, ठीक है, उसके एलिमेंट्स हैं सपोज 1, 2, 3, 4, 5, 6,
ये उसके एलिमेंट्स हैं। अब इसके कितने एलिमेंट्स अगर मैं आपको पूछूं तो आप क्या बोलोगे, 1 2 3 4 5 6, क्या इसके नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हैं? नहीं, गलत हो जाएगा। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ये पूरा इसका एक एलिमेंट है। तो सेट के अंदर सेट भी बैठा हो सकता है। अगर सेट के अंदर सेट बैठा हुआ है तो उस पूरे सेट को एक एलिमेंट मान के चलना है, ये पूरे को अपने एक एलिमेंट मानना है, इसको ब्रेक नहीं कर सकते आप, ये पूरा इसका एक एलिमेंट है, ठीक है। 6 भी इसका एक एलिमेंट है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि 4 जो है वो सेट ए को बिलोंग करता है, नहीं बिलोंग करता, आप बोलोगे डज नॉट बिलोंग्स टू, 4 इंडिविजुअल यहां पे नहीं है, 4 सेट बन के बैठा हुआ है, ये पूरा एक एलिमेंट है, इसको मैं 4 नहीं ट्रीट कर सकता। सिमिलरली 5 भी इस सेट में नहीं है, तो हम लिखेंगे 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो बिलोंग क्या क्या करता है, 1 जो है 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, 3 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। सिमिलरली ये पूरा सेट लिखना है अपने, पूरे को एक एलिमेंट मानना है, ये पूरा जो है ये बिलोंग्स टू सेट ए, ये आप ठीक है ऐसे लिख सकते हो। एंड 6 बिलोंग्स टू सेट ए, 4 एंड 5 इंडिविजुअल उसमें नहीं है, अगर इंडिविजुअल होते तो फिर हम लिखते बिलोंग्स टू ए। तो ये नोटेशन का ध्यान रखना, इसी में भी एमसीक्यू घुमा सकता है वो आपको। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो दो ऑपरेशंस होते हैं, यूनियन ऑफ सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यूनियन क्या होता है, यूनियन होता है यूनाइट करना, तो वही यहाँ पे भी मीनिंग है इसका, दो सेट्स को यूनाइट कर दो। फॉर एग्जांपल आपके पास दो सेट्स हैं, सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और एक आपके पास सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं आपके पास 4 5 6 7। अब इन दोनों की अगर यूनियन लिखनी है तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, उसको डिनोट करते हैं ए यूनियन बी, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। इसको यूनियन रीड करोगे आप, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए यूनियन बी वो वाला सेट होगा जिसमें ए और बी के सारे एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके लिखेंगे, यूनाइट करके लिखेंगे, ठीक है। ए यूनियन बी वो सेट हो जाएगा जिसमें ए और बी के हम सारे एलिमेंट्स को यूनाइट करके लिखेंगे। लिख दो ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो सारे लिखो 1 2 3 4, बी के भी सारे एलिमेंट यहाँ पे आपने लिखने हैं, बी के एलिमेंट कौन से 4 5 6 7, बट 4 तो हम लिख चुके हैं, और पहले मैंने आपको बताया था कि सेट में रिपीटेशन लोड नहीं है तो 4 नहीं लिखेंगे, बचे कौन से 5 6 7, ये आपका आ जाएगा ए यूनियन बी। समझ गए यूनियन में क्या करना है, यूनियन में आपको क्या करना है, जस्ट कंबाइन करना है एलिमेंट्स को। अब इस यूनियन ऑफ सेट्स को वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करोगे वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल वेन डायग्राम जब भी हम बनाते हैं ना, तो आपने याद रखना है यूनियन ऑफ सेट को अगर वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो आपको याद रखना है कि पहले हम बनाते हैं एक रेक्टेंगल, वो रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करेगी आपकी किसको, यूनिवर्सल सेट को, ये आपका आ गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर दो सेट बनाने ए और बी, तो जो इंडिविजुअल सेट बनाने वो सर्कल से डिनोट करने हैं, ठीक है। ए और बी, तो ये आपका सेट ए आ गया और ये आपका सेट बी आ गया, सर्कल से डिनोट करना है, ठीक है। ये सेट ए आ गया, ये सेट बी आ गया, इस तरह से आपको वेन डायग्राम बनानी है, ठीक है। अब ये मैंने इनको इंटरसेक्ट क्यों करवाया, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन है, तो अगर सेट्स में कुछ कॉमन है तो वो ऐसे इंटरसेक्ट होंगे। अगर कॉमन नहीं होता, फॉर एग्जांपल 4 नहीं होता बी में या ए में नहीं होता, इन दोनों में कॉमन नहीं होता, तो फिर ए को और बी को हम अलग अलग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी याद रखना। अगर इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा फिर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए यूनियन बी, देखो ए के एलिमेंट्स लिखो 1 2 3 4, 1 2 3, ये ए में आ गए, 4 जो है वो ए में भी था, बी में भी है, कॉमन है दोनों में, तो वो कॉमन वाली जगह पे यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे आएगा, और 5 6 7 यहाँ पे आ गए, और ये पूरा एरिया जो ए और बी का, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी। दैट मीन ये जो एरिया मैं मार्क कर रहा हूँ, ये आपका पूरा एरिया क्या है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी ये पूरा आ जाएगा, ठीक है, ये पूरा एरिया दोनों सर्कल का मिला के, क्योंकि यूनियन में बस ए और बी को यूनाइट ही तो करना है, उनको कंबाइन करना है उनका टोटल एरिया। तो ये आपका आ जाएगा ए यूनियन बी की वेन डायग्राम, ठीक है। अगर इनमें कॉमन नहीं होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 4 नहीं है, 1 2 3, और यहाँ पे 4 5 6 है, फिर इस तरह से फिगर बनानी है, फिर क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो इनको इंटरसेक्ट नहीं करना आपने, फिर ए यूनियन बी आ जाएगा, ए पूरा और बी वाला पूरा, ये वाला जो पोर्शन होगा ये आपका रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी। इस तरह से वेन डायग्राम भी आपको बनानी आनी चाहिए। नेक्स्ट ऑपरेशन आपका होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन नाम से पता चल रहा है, कॉमन एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर दो सेट्स हैं, सेट ए एंड सेट बी, वही सेट्स ले लेते हैं, सेट ए है आपका 1 2 3 4, और सेट बी है आपका जिसके एलिमेंट्स हैं 3 4 5, और अगर इंटरसेक्शन इनकी लिखनी है तो उसको डिनोट करते हैं ए, कैपिटल एन ऐसे डालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन में सारे कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, उनमें जो भी कॉमन होगा वही इंटरसेक्शन होगी। यूनियन में दोनों सेट्स को कंबाइन करते हैं, इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। कॉमन एलिमेंट्स 1 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो कॉमन के हैं, कॉमन सिर्फ दो एलिमेंट है, 3 और 4, ये इनकी इंटरसेक्शन आ जाएगी। सो ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट द कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन टू सेट्स। अगर इसको मैं वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करूँ तो कैसे करेंगे, ये आपका आ गया यूनिवर्सल सेट, पहले बनाना है रेक्टेंगुलर, ये आपने दो सेट बनाने ए एंड बी, ए एंड बी। अब इसमें बताओ मेरे को कौन सा कॉमन एरिया, कौन सा कॉमन एरिया, तो यही है ये वाला। तो ये आपका एरिया जो मार्क किया मैंने, ये आपका आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ये रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी। अगर इन दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो ए इंटरसेक्शन बी को कैसे रिप्रेजेंट करते, फिर ए यहाँ पे आ जाता, बी यहाँ पे आ जाता, फिर ए और इंटरसेक्शन बी कुछ कॉमन है ही नहीं, तो उस केस में ए इंटरसेक्शन बी जो होती वो एक एम्प्टी सेट होता 5, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, ठीक है। सो ए इंटरसेक्शन बी को वेन डायग्राम में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट एक टर्म है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स किनको बोलते हैं, ऐसे दो सेट्स जिनकी इंटरसेक्शन, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो उनको हम डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट्स इफ देयर इंटरसेक्शन इज 5, मतलब एम्प्टी सेट होगा उनकी इंटरसेक्शन, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट्स इफ दे डोंट हैव एनी कॉमन एलिमेंट्स। दैट मींस
ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई होगा, दैट इज एम्प्टी सेट होगा, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तब उन दो सेट्स को डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे, याद रखना, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए सेट है, उसके एलिमेंट हैं 2, 4, 6, और बी एक एलिमेंट है, बी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5। मुझे बताओ अगर मैं इनकी इंटरसेक्शन लिखूँ ए इंटरसेक्शन बी तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन है नहीं, यहाँ 2, 4, 6 है, यहाँ 1, 3, 5 है, तो एम्प्टी सेट आएगा। और एम्प्टी सेट को हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट डाल के अंदर कुछ नहीं लिखना, या 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हेयर वी कैन से दैट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, बिकॉज क्यों, क्योंकि उनकी इंटरसेक्शन फाई आ रही है। तो अगर दो सेट्स की इंटरसेक्शन फाई आए, उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो तब हम उनको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। नेक्स्ट इज कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। अब कंप्लीमेंट क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट हम बोलते हैं किसी भी सेट को। फॉर एग्जांपल आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यूनिवर्सल सेट को मैंने डिफाइन कर दिया, यूनिवर्सल सेट है आपके पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब इसी में से मैंने एक सेट उठाया ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। अब मुझे निकालना है ए का कंप्लीमेंट। सो ए का कंप्लीमेंट हो जाएगा, ए के एलिमेंट्स को छोड़ दो, बाकी जो भी एलिमेंट्स बचते हैं यूनिवर्सल सेट में उसको हम ए कंप्लीमेंट बोलेंगे। सो ए कंप्लीमेंट को डिनोट कैसे करते हैं, ए के ऊपर डैश लगा देना है, या फिर ए के ऊपर आप सी भी लिख सकते हो, ठीक है। ए कंप्लीमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं, सो ए कंप्लीमेंट इज नथिंग, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो, वो आपका आ जाएगा ए कंप्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना, माइनस करना मतलब ए के एलिमेंट को छोड़ दो, बाकी जो यूनिवर्सल सेट में बचेगा, ये जो यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया इसके हिसाब से ए कंप्लीमेंट आपका हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करेंगे तो 1, 2, 3 माइनस हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, बाकी आपके पास बचेगा 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये आपका आ जाएगा ए कंप्लीमेंट। सो ए कंप्लीमेंट समझ गए, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर दो, वो उसका कंप्लीमेंट हो जाएगा। अब इसको ए कंप्लीमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम से, वो देख लो। वन डायग्राम जब भी बनाओगे तो पहले आपने यूनिवर्सल सेट बनाना है, एक रेक्टेंगल, ठीक है, ये आ गया यूनिवर्सल सेट और ये आपका सेट ए आ गया। अब सेट ए के एलिमेंट्स तो सेट ए के अंदर आएंगे, ए को छोड़ के बाकी जो एरिया बचता है वो आपका ए कंप्लीमेंट होता है, ठीक है। यहां से भी आप समझ गए ना, वेन डायग्राम से ज्यादा क्लियर हुआ होगा। ये जो एरिया बचता है ए को छोड़ के, दैट मींस यूनिवर्सल सेट में से हमने ए को माइनस कर दिया, देखो ए वाला रीजन जो है वो मैं मार्क नहीं कर रहा, दैट मींस ए को हमने यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दिया, बाकी जो रीजन बचा ए को माइनस करने के बाद उसी को हम बोलते हैं ए कंप्लीमेंट। सो ये जो शेडेड रीजन है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ए कंप्लीमेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए कंप्लीमेंट। तो इसकी आपको वेन डायग्राम बनानी भी। नेक्स्ट ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपको एज इट इज़ याद होनी चाहिए और इन प्रॉपर्टीज़ के आपको नाम भी याद होने चाहिए। सो पहली प्रॉपर्टी का नाम है आइडेंपोटेंट प्रॉपर्टी। इसका क्या मीनिंग है कि अगर ए की यूनियन करोगे ए के साथ, मुझे बताओ क्या आएगा। अगर मैं सैम सेट को सैम सेट के साथ यूनियन करूंगा तो आंसर ए ही आने वाला है, और सैम सेट की इंटरसेक्शन करूंगा सैम सेट के साथ तब भी आंसर ए ही आने वाला है। इस लॉ को बोलते हैं आइडेंपोटेंट प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, ठीक है। ये करके देखना, एक सेट ले लो ए, उसकी खुद के साथ ही यूनियन करोगे तो ए ही आएगा, खुद के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो ए ही आने वाला है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कोमुटेटिव प्रॉपर्टी। कोमुटेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, एडिशन में भी पढ़ी होगी, क्या होता है, ए प्लस बी अगर बी प्लस ए के इक्वल हो तो कोमुटेटिव होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन जो होते हैं ये कोमुटेटिव होते हैं, दैट मींस अगर ए की यूनियन करो बी के साथ या बी की यूनियन करो ए के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आने वाला है। अल्टीमेटली हमें उनको यूनाइट ही करना है ना यूनियन में, ए की यूनियन करो बी के साथ या बी की ए के साथ आंसर सेम आने वाला है। सिमिलरली इंटरसेक्शन में भी ए की इंटरसेक्शन करो बी के साथ या बी की इंटरसेक्शन करो ए के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आने वाला है। इंटरसेक्शन मींस हमें कॉमन एलिमेंट लिखने ना, अगर बी सेट पहले लिख दो ए को बाद में लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इंटरसेक्शन में हमने कॉमन एलिमेंट लिखने होते हैं। सो ये कोमुटेटिव प्रॉपर्टी आ गई आपकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये आपने मैथ्स में भी पढ़ी होगी, ये देखो यहाँ पे लिखा है अगर ए यूनियन और फिर ब्रैकेट में है बी यूनियन सी, तो जब ये ब्रैकेट ओपन करोगे, ब्रैकेट चाहे बी सी के साथ लगाओ चाहे ए बी के साथ लगाओ, आंसर सेम आने वाला है। दैट मींस अगर आपके पास है ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी, तो इसको मैं लिख सकता हूं, अभी ब्रैकेट बी और सी के साथ है, ब्रैकेट ए और बी के साथ भी लगा सकते हो, इज इक्वल टू ए यूनियन बी के साथ ब्रैकेट यूनियन सी करोगे, आंसर तब भी सेम आने वाला है। दैट मींस क्या कहने का मतलब है, यहाँ पे आपने क्या किया, फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में आपने किया पहले बी की यूनियन की सी के साथ, जो आंसर आया उसकी यूनियन की आपने ए के साथ, ठीक है। फिर राइट हैंड साइड में क्या है, पहले ए की यूनियन की बी के साथ, फिर जो आंसर आया उसकी यूनियन की सी के साथ, चाहे इस तरह से कर लो चाहे इस तरह से कर लो, आंसर सेम आने वाला है, आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली इंटरसेक्शन में भी सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी आती है डी मॉर्गन्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉम्प्लीमेंट्स के लॉ हैं। अगर आपके पास है ए यूनियन बी और उसका होल कंप्लीमेंट करना है आपको, तो जब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो ए पे भी कंप्लीमेंट आएगा बी पे भी कंप्लीमेंट आएगा, बट बीच वाला जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। अगर यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा, और अगर इंटरसेक्शन है तो बीच में यूनियन हो जाएगा। इसको आप वेन डायग्राम बना के खुद प्रैक्टिस करना, देखना यही आंसर आएगा। इंटरसेक्शन है तब क्या होगा, ए कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आ जाएगा, बी पे भी कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे दोनों पे कंप्लीमेंट आएगा, बट बीच वाला साइन चेंज हो जाएगा। यूनियन है तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है तो यूनियन। इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। इसको वेन डायग्राम से समझो या सेट्स बना के समझो। दो सेट्स खुद से ले लो, एक सेट ले लिया मैंने 1, 2, 3, ऐसे खुद से सेट ले लो, एक सेट ले लिया मैंने बी 3, 4, 5। अब क्या करो, इन दोनों के पहले ए यूनियन बी निकालो, फिर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको यूनिवर्सल सेट चाहिए होगा, यूनिवर्सल सेट आप मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपने मान लिया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। फिर राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालो, पहले ए का कंप्लीमेंट फिर बी का कंप्लीमेंट, फिर दोनों की इंटरसेक्शन करो, देखो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएंगे, ये दोनों इक्वल आएंगे। ये खुद से करो, आप खुद से ट्राई करो तो समझ में आएगा।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं डी मॉर्गन्स लॉ। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ कंप्लीमेंट। लॉ ऑफ कंप्लीमेंट क्या कहता है? लॉ ऑफ कंप्लीमेंट आपका कहता है कि अगर आपके पास एक 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 सेट है ए, उस पर एक कंप्लीमेंट फिर दूसरा कंप्लीमेंट किया तो आंसर ए ही आने वाला है। दैट मीन्स इसको आपने याद रखना है, अगर उस पर इवन नंबर ऑफ कंप्लीमेंट्स हुए तो आंसर ए आएगा, अगर ऑड नंबर ऑफ कंप्लीमेंट्स हुए तो आंसर ए कंप्लीमेंट आएगा। अगर ए कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट फिर होल कंप्लीमेंट, तो तीन बार कंप्लीमेंट है ऑड है ना, तो ए कंप्लीमेंट आएगा आंसर। अगर इवन हुआ फोर बार होता तो ए आता आंसर। ए कंप्लीमेंट 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 कंप्लीमेंट, चार बार कंप्लीमेंट किया तो आंसर ए आएगा, पांच बार किया तो ए कंप्लीमेंट आएगा। दैट मीन्स अगर ऑड कंप्लीमेंट किया तो आंसर ए कंप्लीमेंट आएगा, अगर इवन नंबर ऑफ कंप्लीमेंट है उस पर तो आंसर ए आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ फाई एंड यूनिवर्सल सेट, दैट इज एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट का लॉ। ठीक है, एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल, अगर आप ए की यूनियन करोगे मुझे बताओ एम्प्टी सेट के साथ तो आंसर क्या आएगा। ए की यूनियन करनी है एम्प्टी सेट के, एम्प्टी सेट में तो कुछ होता ही नहीं, तो ए की जब मैं यूनियन करूंगा एम्प्टी सेट के साथ, ए की अगर मैं यूनियन करता हूँ एम्प्टी सेट के साथ तो आंसर तो ए ही आने वाला है। अगर ए की मैं इंटरसेक्शन करता हूँ एम्प्टी सेट के साथ मुझे बताओ आंसर क्या आएगा, आंसर एम्प्टी सेट ही आएगा। इंटरसेक्शन होता है कॉमन एलिमेंट, तो फाइव में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं, तो इन दोनों में कॉमन आएगा कुछ, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो आंसर फाइव आएगा। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फाइव एंड यू। अगर मैं यूनियन की बात करूं यूनिवर्सल सेट की, तो ए की अगर यूनियन करोगे यूनिवर्सल सेट के साथ तो आंसर यूनिवर्सल सेट ही आने वाला है ना। ए की यूनियन, यूनियन मतलब इन दोनों को यूनाइट करना है, तो यूनाइट करने पे यूनिवर्सल सेट ही आएगा क्योंकि यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा है, ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में पहले से होंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर ए की इंटरसेक्शन करोगे यूनिवर्सल सेट के साथ, इंटरसेक्शन में कॉमन होता है, ठीक है, कॉमन एलिमेंट में फिर ए ही आएगा। ए के जितने एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट में होंगे, बट यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट तो ए में नहीं ना होंगे, सो इंटरसेक्शन करने पे आंसर आपका ए ही आएगा। ये फॉर्मूले आपको याद रखने, खुद से सेट लिखो, दो सेट लिखो, फिर उनको क्या करो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालो, फिर राइट हैंड साइड की देखो इक्वल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके दो फॉर्मुलेज बचते हैं, इन पे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। दो फॉर्मुलेज हैं, अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हो ए यूनियन बी में या ए इंटरसेक्शन बी में, ये भी याद रखना, अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने ए यूनियन बी में, दैट विल बी इक्वल टू एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। सर ऐसा क्यों हुआ, ये माइनस क्यों हुआ, यह भी बताता हूं। फॉर एग्जांपल सेट ए मैंने लिया जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और सेट बी मैंने लिया जिसके एलिमेंट्स हैं 4 5 6, मुझे बताओ ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट आएंगे। ए यूनियन बी में हम कंबाइन करके लिखते हैं, तो लिखो 1 2 3 4, और बी के सारे एलिमेंट 4 तो लिख चुके हैं, रिपीटेशन लोड नहीं है, तो 5 4 6 आ जाएगा, 5 4 6 आ गया। तो ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी मुझे बताओ कितने आए, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 है। और एन ऑफ ए में, ए में कितने एलिमेंट्स थे, ए में थे सर 4 एलिमेंट्स, और बी में कितने एलिमेंट्स थे, बी में एलिमेंट्स थे 3, तो 4 और 3 को अगर मैं सीधे ऐड करता तो आंसर तो 7 आता, लेकिन यूनियन में तो 6 ही एलिमेंट है। ये 6 क्यों है, क्योंकि सेट ए में 4 है जो यहाँ पे आपने काउंट किया है, सेट बी में भी 4 है जो यहाँ पे भी काउंट किया, तो कॉमन एलिमेंट दो जगह काउंट हो जाता है, इसलिए उसको एक बार माइनस करना होता है, इसलिए यहाँ पे ये माइनस वाला आता है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करोगे तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा, ये माइनस है ना, ये इस तरफ आएगा राइट हैंड साइड में प्लस हो जाएगा, और ये वाला जब इस तरफ आएगा ये माइनस हो जाएगा। सो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालोगे तो वो हो जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। अब ये जितना भी हमने पढ़ा है इस पे हम एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है, काफी एमसीक्यू, सारे जितने भी एमसीक्यू सेट्स के बनते हैं वो सारे मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। ठीक है, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एफ ए का जितना भी मैथ्स है वो सारा मैं यहाँ पे कंप्लीट करने वाला हूँ, स्टॉक असिस्टेंट और जो वेटनरी का एग्जाम आ रहा है उसकी मैथ्स एंड रीजनिंग भी यहाँ पे हम पूरी कवर करेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।